हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है फिर से एक बार आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं वुड मास्टर SH, मेरा नाम है सद्दाम हुसैन। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं टैंडम चैनल के ऊपर, यानी कि जो हमारी किचन में यूज़ होने वाली टैंडम चैनल होती है, यानी कि किचन में भी होती है और अपनी वार्डरोब में भी कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो आज पूरा ट्यूटोरियल हम आपको दिखाने वाले हैं किस तरीके से उस चीज़ को बनाते हैं, तो उसकी क्या लाइफ होती है, क्या फ्यूचर है, आप रोड वाली बनाएं या फिर शीशे वाली बनाएं। तो यानी कि ज़्यादा आप सैंपल देख भी सकते हैं, हम आपको दिखा देते हैं। आप इस तरीके की आपने बनानी है या दूसरी वाली बनानी है, तो आप देख सकते हैं ये, अगर चाहे तो ये शीशे वाली है, शीशे वाली बनानी है या दूसरे तरीके की बनानी है। इस तरफ भी देखो शीशा लगा रखा है, आप देख सकते हैं ये सारा ग्लास लगा हुआ है इस तरफ से। तो मैं यही चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, हम किस तरीके से इस चीज़ को हम बनाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। उससे पहले जो नए चैनल पर सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर करार पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि वुड से रिलेटेड वीडियोस मैं चैनल पर अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हैटिक कंपनी की ये चैनल है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई हमारी इसमें आती है 20 इंची 18 इंची। तो 20 इंची की ये चैनल है, उसी हिसाब से आपको किचन के बॉक्स या वार्डरोब के बॉक्स बनाने होते हैं। और ये आप देख सकते हैं सिल्वर कलर में फिनिशिंग है इसकी। और इसकी अगर लंबाई की बात करें, लंबाई आपसे मैंने बता दी 20 इंच इसकी लंबाई है। और इसके साथ में निकलते हैं चैनल नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ, ये दो साइड में आते हैं। ये वाला कसा जाता है हमारा बॉक्स पर, और जो दूसरा वाला है वो कसा जाता है हमारा जो ड्रॉअर चलता है उस पर। तो ये हमारा बॉक्स है, आप देख सकते हैं इसमें हमने इस चीज़ को सेट करना है, इसका ड्रॉअर बनाना है। तो हमें जगह देख लेनी है, जगह के हिसाब से जैसे हमने इसका 50-50 दो भाग करना है, तो उस हिसाब से जगह देखने के बाद में निशान लगा लेने हैं। निशान लगाने के बाद में कील मार लेनी है अगर ऊपर की तरफ हमने करना है किसी तरह, जिससे कि हमारी चैनल आराम से रुक जाए, आप देख सकते हैं। और 300 इसको पीछे कर लेना आगे से, जो प्रॉपर माथा जाके साइड बैठ जाए, जो फ्रंट वाला डोर होता है जैसे कि हम माथा बोलते हैं चीज़ को, तो फ्रंट जाकर साइड बैठ जाए। इस हिसाब से आपने इसकी स्क्रू कस देने हैं। कसने के बाद सेम उसी तरह दूसरा भी लगा देना है। दोस्तों ऊपर से डलता है और इसका निकालने का सिस्टम ब्लू कलर आप जो देख रहे थे राइट में, इसको प्रेस करके आप निकाल सकते हो माथे को इसके, ऐसे ही दूसरे साइड से हमें इसको कस देना है। कसते एक चीज़ का ध्यान रख के हमारी जो स्क्रू अच्छी तरीके से कसे जाए, यानी कि लूज ना रहे। और इसमें काफ़ी स्क्रू कसने के काफ़ी चीज़ें होती है, आराम से जैसे मर्जी हम नीचे इसको कस सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों ये इसके बैक पीछे वाले क्लिप होते हैं, पीछे की तरफ जो लगते हैं बैक साइड के, तो हम इसके पीछे की तरफ लगा देते हैं इसको और इस तरह से इनको डाल देते हैं। अब बाद में हमने अंदर अंदर का इसका साइज ले लेना आता है, तो जितना भी हमारा साइज आता है इसका अंदर अंदर का साइज लेके हमने बोर्ड काट लेना होता है। तो वैसे दोस्तों जो कंपनी देती है 16 mm के बोर्ड का इसका सिस्टम देती है जो अंदर फंसता है, बट ज़्यादातर यूज़ 18 mm और 19 mm यूज़ होता है। तो इसी वजह से हमने क्या झिर्री मारनी होती है, देख सकते हैं आप, थोड़ा सा टक निकालना होता है जिससे कि हमारा जो फट्टा है इसके अंदर आराम से देख सकते हैं आप फंस जाए अंदर जाके। इस हिसाब से आपको देखो फंसा लेना है अच्छे तरीके से, कटर से आराम से बादाम फाड़ सकते हो। अब इसमें थोड़ा सा बादाम फाड़ के इसको कस देने, अच्छे से टाइट कर देने। इसमें काफ़ी ऑप्शन होते हैं स्क्रू कसने के, तो फिलहाल आप दो ही स्क्रू कसे, ज़्यादा ना कसे, दो कस के एक बार चलाकर चेक कर लें कि हमारा फट्टा टाइट या लूज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर लूज़ होगा, ज़्यादा लूज़ होगा तब प्रॉब्लम होगी, और ज़्यादा टाइट होगा तब प्रॉब्लम होगी। थोड़े बहुत में कोई दिक्कत आने वाली नहीं होती, थोड़ा बहुत में चल जाता है, ज़्यादा अगर होगी तो फिर दिक्कत होने होती है। और इस तरह से हमने एक बार इसको चलाकर देख लेना है। चलाने के बाद आप देख सकते हैं इसको आराम से, अब हमने क्या करना है, इसका फ्रंट लगाना है, यानी कि हमने इसका माथा अब लगाना है। तो हम किस तरह से उस चीज़ को लगाते हैं वो आप देख सकते हैं ध्यान से। इससे पहले हमने बैक पीछे का तरफ का इसका एक फट्टा लगाना होगा, जिससे कि हमारा बैक साइड में सामान
ना गिरे उस हिसाब से पीछे की तरफ इसको लगाया जाता है। तो आपने इस हिसाब से साइज ले लेना उसका, लेने के लिए लेने के बाद में उसकी कटिंग कर लेनी है। दोस्तों कटिंग करने के बाद हम इसको एक बार चेक कर लेते हैं डाल के अंदर की तरफ से कि हाँ हमारा प्रॉपर सेट है। तो उस हिसाब से फिर हमने इसमें भी टक निकालना होता है, क्योंकि मैंने आपसे पहले भी बताया कि इसमें 16 mm का बोर्ड इस्तेमाल करा जाता है, यूज़ करा जाता है, बट 18 mm समथिंग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो उसको फिर 2 mm की यहाँ पे इसको डाउन करना पड़ता है थोड़ा सा कि जिससे कि हमारा सामने फ्रंट और जो नीचे वाला जो होता है कट्टा वो सारा फेस आ जाए। इस तरह से आपने इसमें थोड़ा थोड़ा करके कटर मार लेना है। इस तरह से मार सकते हो, पदाम कटर पे बांध कर वैसे भी मार सकते हो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। ऐसे थोड़ा सा चोटी से साफ कर लेना है और फिर करने के बाद में इसको ऐसे इस तरीके से साफ करके आराम से ड्रॉर को बाहर निकाल कर पीछे की तरफ से इस वाले फट्टे को रखकर यहाँ पर हम कस देना है। तो कसने के बाद ड्रॉर को डाल देना है। डालने के बाद में अब वारी जो आती है इसके जो फ्रंट का जो हम अपनी भाषा में माथा बोलते हैं उस चीज़ को लगाने की। तो हमने पहले ही इस चीज़ को तैयार कर रखा है आपका टाइम बचाने के लिए। तो उस हिसाब से आपको देख सकते हैं ये इसके दो क्लिप होते हैं जो इसमें फंसते हैं और इसका निशान ले लेना है, ठीक है। और निशान यहाँ पर लगा कर इस पे माथे पे इसमें दो सुराख ले लेने हैं। इसके सुराख मारने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं तो इस तरह से इसमें कस देना है। दोस्तों यहाँ पर कस देना है इसको, स्क्रू मार देने इसमें दोनों तरफ और स्क्रू इस हिसाब से कसे ज़्यादा टाइट ना करें। अगर ज़्यादा टाइट करोगे तो प्लास्टिक होता है फट जाने के इसके चांसेस रहते हैं ज़्यादा। इसमें आप 1.25 के स्क्रू भी कस सकते हैं और 1.25 के भी, बट एक स्क्रू का ऑप्शन इसमें हैटिक में देते हैं 1.25 का और 1.25 का देते हैं, दो ऑप्शन 1.25 वाले में देते हैं यहाँ पे, और 3 स्क्रू मारने के ऑप्शन होते हैं। तो इस तरह से आपने इसको रख के अंदर की तरफ नीचे की तरफ को पेस्ट करना है, नीचे की ऐसे ये वाला चैनल पकड़ के नीचे की तरफ को दबाना है फट्टे को, तो ये लग जाएगा अपना भी। और आप देख सकते हैं फ्रंट बन के एकदम तैयार है ड्रॉर। तो दोस्तों अब बारी आती है इसके ग्लास लगाने की, यानी कि जो इसके साइड में ग्लास लगते हैं तो उसको लगाने की बारी आती है। तो मैं आपसे बता भी देता हूँ, आप मैंने बताया भी था कि इसका क्या फ्यूचर होता है, ग्लास में ही होता है। अगर आप ग्लास यूज़ करते हो तो ग्लास में अगर कुछ आपका कोई चीज़ लग जाए तो टूटने के चांसेस रहते हैं, रोड में ऐसा नहीं होता। देखने में ग्लास अच्छा लगता है, बस इसी वजह से ज़्यादातर इसमें फिनिशिंग अच्छी आती है तो इस वजह से ज़्यादा इसको यूज़ करा जाता है। तो आप देख सकते हैं इसके साथ में निकलते हैं इसके क्लिप जो इसमें यूज होते हैं। तो इसमें भी क्लिप में भी ये शीशे में भी हैटिक वाले दो ऑप्शन देते हैं, यानी कि एक जो ऑप्शन होता है इसमें सुराख कर जैसे आप देखते होंगे वॉल में गिट्टी मारते हैं फंसा देते हैं, फंसाने वाला होता है, और एक ऊपर से भी आप स्क्रू कर सकते हैं। तो चार इसमें चार क्लिप निकलते हैं, यानी कि दो दो ऑप्शन करके निकलते हैं। तो हमने जो इसमें कसे थे ऊपर से स्क्रू मार दिए थे, क्योंकि सुराख करने से अच्छा है अगर ऊपर से ही मार दो आप तो वो भी बेस्ट रहता है। बस स्क्रू अच्छे से कसे जाने चाहिए। पीछे बैक साइड का क्लिप होता है, इसको निकालना हो तो इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, यहाँ से पॉइंट होता है इसका निकालने का। तो दोस्तों इधर से आप देख सकते हैं सीधे की तरफ जो कट आता है वो नीचे की तरफ आता है, जो प्लेन होता है ऊपर की तरफ आता है। इस तरह से आप इसको फंसा देते हो, फंसाने के बाद ये यहाँ पर हमारा लगेगा जहाँ तक हमारी चैनर, मान के चलो जहाँ हमारी चैनर हो रही है लास्ट, तो उसके ऊपर से इसको कसना होता है। निशान ले लेंगे, निशान लेने के बाद इसको जो इसका फ्रंट है माथे को निकाल लेंगे, पूरी ड्रॉर निकाल लेंगे, फिर इसके साथ आराम से इसका साइड में ब्लू कलर के दो आप देखोगे तो ऑप्शन होते हैं, उसको जैसे आप प्रेस करोगे तो माथा निकल जाता है ऊपर की तरफ खींच के, और इसका निशान ले लेना है। निशान लेने के बाद पेंसिल से आपको छोटे छोटे दो यहाँ पे हल्के से कील से निशान ले लेने हैं, और लेने के बाद में यहाँ पर इसमें 1.25 के स्क्रू कसे जाते हैं आपके, ठीक है। तो 1.25 के स्क्रू आपने इसमें कस देने हैं इस तरीके से, और फिर कसने के बाद
इसमें आपने ये चीज़ लगानी हो तो ये भी लगा सकते हो, बट इसमें क्या होता है आपने इसमें यहाँ पे दो तीन सूत का सुराख करना होगा अंदर की तरफ, ये फासनर टाइप में फंसता है। अगर आपने नहीं लगाना ऊपर से तो इस तरह से लगा सकते हैं, और आप देख सकते हैं ये क्लिप लग के तैयार हो जाते हैं इस तरह से। तो बारी आती है सीसा लगाने की, यानी कि ग्लास लगाने की। तो दोस्तों ग्लास ऊपर की तरफ तो जो रोड का हमारा 6 इंच वाला होता है तो उसमें फंस जाता है। और एक चीज़ का और ख़ास तौर से ध्यान रखें दोस्त, जब भी अगर आपने अगर ग्लास लेना हो तो 6 इंची वाला ही, जहाँ भी कस्टमर जहाँ भी दुकान शॉप पे जाए तो 6 इंची वाला ही चैनर मांगे कि हमारे को 6 इंची वाला चैनर चाहिए। अगर 4 इंची वाला आप लोगे तो फिर लगाने में दिक्कत होगी, 8 इंची और 6 इंची सेम ही मिलता है। इस तरह से पीछे से आपने इसमें क्लिप फंसा देने हैं, यानी कि ये आगे से नहीं हिलता। अगर क्लिप आप नहीं फंसाओगे तो फिर आगे से हिलता है, तो आगे से क्लिप से जाम हो जाता है और पीछे से जो आपने पीछे वाले क्लिप माथे में कसे उससे जाम हो जाता है। आप देख सकते हैं डोर बिल्कुल रेडी है बनकर। इस तरह से आप इसमें बना सकते हैं दोस्तों, ऐसे डाल कर चलाते हैं तो काफ़ी सॉफ्ट है। तो बट उस चीज़ का ध्यान रखना है, अगर आपने इसमें कांच लगाना है तो 6 इंची वाला ही जो शॉप वाला है उससे जाकर दुकानदार से जाकर बोले कि हमारे को 6 इंची टैंडम चाहिए, चैनल चाहिए, तो 6 इंची में ही यूज़ होता है, क्योंकि जिसके क्लिप होते हैं पीछे 4 इंच वाले यूज़ नहीं हो पाते। फिर आप देखोगे कि 4 इंची के कहाँ पर लगाएं। तो इसकी सेटिंग पूरी आती है जब सीसा और आप डोर लोगे तो पूरी प्रॉपर सेटिंग आएगी इसकी। तो दोस्तों जो भी कुछ था सारा ट्यूटोरियल मैंने आपको बताया किस तरीके से हम ड्रॉअर बनाते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन आपको हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे की तरफ आ रहा है, या फिर मेरी इंस्टाग्राम आईडी आ रही है, मुझसे जिस तरीके से भी आप कॉन्टैक्ट करना चाहो कर सकते हो। हमारा मकसद है कि आप लोगों को एक अच्छी राय देना, एक अच्छी तरीके से जो भी होता है हमारे साथ जो काम करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस है उसको आप लोगों तक पहुंचाना, उसे शेयर करना। तो बस दोस्तों यही था वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक करें, जिससे कि आने वाली सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, क्योंकि वुड से रिलेटेड वीडियोज़ में एक चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।